नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आलू का हलवा बना के दिखाऊंगी। तो इसके लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी? थोड़ा सा किशमिश लिए हैं, थोड़ा सा इलायची पाउडर, थोड़ी सी बादाम, इनको मैंने बारीक कट कर लिया है। एक कटोरी मैंने घी लिया है, एक कटोरी चीनी, 5 से 6 मैंने आलू लिए हैं जिनको उबाल कर छिल कर रख लिया है। अब हम हलवा बनाना शुरू करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हलवा बनाने से पहले हम आलू को कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहे तो हाथ से भी इसको मैश कर सकते हो। तो हाथ से मैश करेंगे तो इसके अंदर गुठलियां रह जाएंगी, इसलिए मैं पहले इसको कद्दूकस कर लेंगे। देखिए इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब हलवा बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम ये डाल देंगे और इसको गर्म कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा घी है वो गर्म हो गया। अब इसके अंदर हम आलू कद्दूकस किया हुआ डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा आलू है जिनको ये चिपके नहीं तब तक इसे इस तरह से हिलाना है। देखिए फ्रेंड्स, आलू का हलवा बहुत ही शुद्ध होता है बनाने के लिए और बच्चों में खाने के लिए। तो आप आलू का हलवा बनाइए। देखिए फ्रेंड्स, हमारा हलवा इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम चीनी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसे 1 से 2 मिनट के लिए कम आंच में पका लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा हलवा है इनका कलर चीनी डालने के बाद बहुत ही अच्छा आ रहा है और हलवा बहुत अच्छी बना है। देखिए हमारा हलवा है इनके अंदर, अब घी भी नहीं दिख रहा है, घी भी इसके अंदर मैश हो गया है और इसके अंदर बचा हुआ मसाला है वो डाल देंगे। इलायची पाउडर, बादाम, किशमिश, अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमें कम ही रखना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा हलवा बनकर रेडी है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा हलवा बहुत ही अच्छा और टेस्टी बना है। तो आप एक बार जरूर बना के देखिए, ट्राई कीजिए, आप खाइए। और हमारा हलवा की रेसिपी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।